नमस्कार दोस्तों आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और मैं श्राश भागवत ले आया हूँ एक और वीकली वीडियो जो कि 6 जुलाई से 12 जुलाई के बीच जितने भी 40 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको मैं कवर करूंगा यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ बेलाइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी अगली वीडियो में लेके आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप उस इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर सकें हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस की कितनी वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है आपके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए तेईस ऑप्शन नंबर बी चौबीस ऑप्शन नंबर सी छत्तीस ऑप्शन नंबर डी चालीस आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चालीस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो दूसरा क्वेश्चन है कि खेल मंत्रालय ने जूनियर खिलाड़ियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए टॉप्स ऑप्शन नंबर बी खेलो खेल ऑप्शन नंबर सी जीत ऑप्शन नंबर डी जीत कदम तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टॉप्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने ब्यूबॉनिक प्लेग संक्रमित मरीज मिले हैं हाल ही में किस देश में प्लेग संक्रमित मरीज मिले हैं? आपके ऑप्शन नंबर अमेरिका ऑप्शन नंबर बी ब्राजील ऑप्शन नंबर सी चीन ऑप्शन नंबर डी इटली तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चीन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो चौथा क्वेश्चन है कि, कि किस राज्य ने हाल ही में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान को लॉन्च करने का निर्णय लिया है आपके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर सी दिल्ली ऑप्शन नंबर डी ओडिशा तो इसमें आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दिल्ली बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो पांचवा क्वेश्चन है हाल ही में किसने सामान्य बीमा कंपनी रहेजा क्यू नामक कंपनी का 568 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है मतलब कि किया है आपके ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी पेटीएम ऑप्शन नंबर सी गूगल ऑप्शन नंबर डी एस तो आपको जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी पेटीएम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो छठा क्वेश्चन है हाल ही में किसने स्पीलबर्ग में सीजन ओपनिंग फॉर्मूला वन ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए वाल्टेरी बोटास ऑप्शन नंबर बी सेबेस्टियन वेटल ऑप्शन नंबर सी जेम्स एंडरसन ऑप्शन नंबर डी टॉम लेथम तो आपको जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए वोल्टेरी बोटास बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो सातवा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने चेजेबल मास्टर्स ऑनलाइन टूर्नामेंट जीता है आपके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथन आनंद मैग्नस कार्लसन ऑप्शन नंबर डी पॉल मर्फी तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मैग्नस कार्लसन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो आठवां क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कारों में पुरुषों के क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया है आपके ऑप्शन अमला ऑप्शन नंबर डी डेविड मिलर तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए क्विंटन डीकॉक बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो नौवा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के चेस में छियासठवें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं तो आपके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए डी गुकेश ऑप्शन नंबर बी जी आकाश ऑप्शन नंबर सी डी मनोहर ऑप्शन नंबर डी कृष्णमूर्ति राय तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जी आकाश बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो दसवा क्वेश्चन है तो दसवा क्वेश्चन है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित की जाने वाली संभावित कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कोवैक्सीन ऑप्शन नंबर बी कोरोनाइल ऑप्शन नंबर सी कोरोनिक ऑप्शन नंबर डी कोरोएक्स 1649 तो आपका ऑप्शन जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए कोवैक्सीन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो अगला क्वेश्चन है 11वां तो उसमें बोला है कि किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक मोबाइल वैन धनवंतरी रथ शुरू किया है आपके ऑप्शन नंबर ए बिहार ऑप्शन नंबर बी गुजरात ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर डी ओडिशा तो आपको जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी गुजरात बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो बारवा क्वेश्चन है कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भारत में इट्स बिटवीन यू नाम के एक अभियान शुरू किया है आपके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए व्हाट्सएप ऑप्शन नंबर बी ट्विटर ऑप्शन नंबर सी लिंकड ऑप्शन नंबर डी फेसबुक तो आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए व्हाट्सएप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो तेरवा क्वेश्चन है कि आयकर विभाग ने कोरोना के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी है आपके ऑप्शन इक्कीस मार्च दो हजार इक्कीस ऑप्शन नंबर बी 31 जनवरी 2021 ऑप्शन नंबर सी 31 दिसंबर 2020 ऑप्शन नंबर डी 21 फरवरी 2021 तो आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च 2021 बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो चौदहवा क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने जवानों को फेसबुक टिकटॉक समेत कितने एप्स डिलीट करने के निर्देश दिए हैं आपके ऑप्शन नंबर 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 ए ऑप्शन 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 बी सी डी तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए एट्टी नाइन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो पंद्रवा क्वेश्चन है कि चीन और संयुक्त तो राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कचरा जनरेटर कौन सा है चीन और संयुक्त तो राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कचरा जनरेटर कौन है आपके ऑप्शन उप्षें नंबर ए भारत ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान ऑप्शन नंबर डी जापान तो आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए भारत बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो सोलवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्थानों में से कौन वर्चुअल कक्षा प्रणाली मोबाइल मास्टर जी विकसित करता है आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए आई आई खड़गपुर ऑप्शन नंबर बी आई कानपुर ऑप्शन नंबर सी आई आई टी ऑप्शन नंबर डी आई आई टी गुवाहाटी तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी आईआईटी कानपुर बढ़ते हैं तो सत्रीन है व्यवधान के कारण सीबीएसई का पाठ्यक्रम हो गया है आपके ऑप्शन तेईस प्रतिशत ऑप्शन नंबर बी तैतीस प्रतिशत ऑप्शन नंबर सी पच्चीस प्रतिशत ऑप्शन नंबर डी तीस प्रतिशत तो आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी तीस प्रतिशत बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ

कब बनाया जाता है आपके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए छः जुलाई ऑप्शन नंबर बी चार जुलाई ऑप्शन नंबर सी पाँच जुलाई ऑप्शन नंबर डी तीस जून तो इसमें जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन नंबर ए छः जुलाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो बीसवा क्वेश्चन है कि, कि किस देश ने ओफेक्स सोलर नामक एक नया सैन्य निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रूस ऑप्शन नंबर बी अमेरिका ऑप्शन नंबर सी स्लोवेनिया ऑप्शन नंबर डी इसराइल तो इसमें जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी इजराइल बढ़ते हैं की तरफ, तो जो लगभग आठ लाख भारतीयों को देश आपके ऑप्शन नंबर ए क्यूबा ऑप्शन नंबर बी कतर ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब ऑप्शन नंबर डी ईरान तो इसमें जो आपका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी कतर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो अगला क्वेश्चन है बाईसवा कार खरीदने वालों को फाइनेंसिंग में आसानी के लिए एक्सिस बैंक के साथ किस कंपनी ने समझौता किया है आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मारुति सुजुकी ऑप्शन नंबर बी हुंडई, ऑप्शन नंबर सी फोर्ड ऑप्शन नंबर डी टाटा मोटर्स तो इसमें जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन नंबर ए मारुति सुजुकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो तेईसवा क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वैश्विक पारदर्शिता सूचकांक जिसे हम कहते हैं ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स उसमें भारत किस स्थान पर है आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पैतीस ऑप्शन नंबर बी चौतीस ऑप्शन नंबर सी त्रेपन ऑप्शन नंबर डी चौहत्तर तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी चौतीस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चौबीसवा तो क्वेश्चन है कि विश्व चॉकलेट दिवस जिस हम कहते हैं वर्ल्ड चॉकलेट डे वो किस दिन मनाया जाता है आपके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए तीन जुलाई ऑप्शन नंबर बी आठ जुलाई ऑप्शन नंबर सी सात अगस्त ऑप्शन नंबर डी सात जुलाई तो इसमें जो सही उत्तर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सात जुलाई बढ़ते हैं तो पच्चीसवा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव वन्य को अभ्यारण्यारण को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है आपके ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर बी ओडिशा ऑप्शन नंबर सी केरल ऑप्शन नंबर डी असम तो इसमें जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी असम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो छब्बीसवा क्वेश्चन है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए किस ट्रेड एसोसिएशन ने न्यू जर्सी में एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। आपकी है, नंबर A, सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन नंबर ए नासकॉम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो सत्ताईसवा क्वेश्चन है कि, कि किस केंद्रीय मंत्री ने क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल सम्मेलन के चौथे संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किया है आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए प्रकाश जावड़ेकर ऑप्शन नंबर बी पीयूष गोयल ऑप्शन नंबर सी अजीत डोवाल ऑप्शन नंबर डी राजनाथ सिंह तो इसमें आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए प्रकाश जावड़ेकर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो 28वां क्वेश्चन है कि, कि किस वित्तीय संस्थान ने भारत के नमामि गंगे कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है आपके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए विश्व बैंक ऑप्शन नंबर बी शंघाई कार्पोरेशन ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऑप्शन नंबर डी जी ट्वेंटी तो इसमें आपको जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए विश्व बैंक बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन है कि बीसीसीआई ने अपने सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है उनका नाम क्या है आपके ऑप्शन नंबर ए अंशुल्त ऑप्शन नंबर बी राहुल देव ऑप्शन नंबर सी अशोक सिंह ऑप्शन नंबर डी राहुल जौहरी तो इसमें आपको जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राहुल जौहरी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो तीसरा क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने शॉर्ट वीडियो अपलोड करने के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए स्टूडियो ऑप्शन नंबर बी रील ऑप्शन नंबर सी कैनवास ऑप्शन नंबर डी फ्लीट जो आपको जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी रील बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो इकतीसवां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है आपकी ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर डी बिहार तो इसमें आपको जो सही उत्तर है वो है हाँ, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो बत्तीसवा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ ऑप्शन नंबर सी असम ऑप्शन नंबर डी उत, उत्तराखंड तो इसमें आपको जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो तैतीसवा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल की लॉन्च की है को लॉन्च किया है आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गुजरात ऑप्शन नंबर बी हरियाणा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा तो इसमें आपको जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो चौतीसवा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल कब मनाया जाता है आपके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए ग्यारह जुलाई ऑप्शन नंबर बी तीन जुलाई ऑप्शन नंबर सी सात जुलाई ऑप्शन नंबर डी पंद्रह जुलाई तो इसमें आपको जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए ग्यारह जुलाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो पैंतीसवां क्वेश्चन है कि, कि किस राज्य ने किस राज्य के रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है आपके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर डी राजस्थान तो इसमें आपको जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो 36वां क्वेश्चन है कि हाल ही में सिंगापुर के नए पीएम कौन बने हैं आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए e, सबेस्टिन कोर्स ऑप्शन नंबर बी महेंद्र राजपक्षे ऑप्शन नंबर सी सोहेल वर्क जेवड़े ऑप्शन नंबर डी ली सीन लूंग तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन डी ली सीन सूंग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो सैतीसवा क्वेश्चन है कि किस देश की राष्ट्रपति अनेज कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुकी हैं आपके ऑप्शन ऑप्शन नंबर है बोलिविया ऑप्शन नंबर बोस्वाना ऑप्शन नंबर सी स्लोवाकिया ऑप्शन नंबर डी फिनलैंड तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए बोलिविया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तेसवा क्वेश्चन है कि यूए में प्रस्तावित सितंबर में खेले जाने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए एशिया कप ऑप्शन नंबर बी रोवर्स कप ऑप्शन नंबर सी रणजी ट्रॉफी ऑप्शन नंबर डी अंडर सेवनटीन वर्ल्ड कप तो इसमें जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन नंबर ए एशिया कप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ उनतालीसवा क्वेश्चन है कि किस देश ने पाकिस्तानी एयरलाइन पर पायलटों के संदिग्ध लाइसेंस का हवाला देते हुए छह महीने का प्रतिबंध लगा दिया है आपकी ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए चीन ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर सी अमेरिका ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका तो इसमें आपको जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर की तरफ तो है कि इंडिया की अध्यक्ष के अध्यक्ष अहमद के बाद ऑप्शन नंबर बी ज्ञानेन्द्रो ऑप्शन नंबर सी जो सुरजीत सिंह ऑप्शन नंबर डी कमलेश कौर तो इसमें आपको जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी ज्ञानेन्द्रो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो अगला क्वेश्चन है कियर रेटिंग वित्त वर्ष दो हजार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है आपके ऑप्शन नंबर ए पांच प्रतिशत ऑप्शन नंबर बी दस प्रतिशत ऑप्शन नंबर सी सात दशमलव दो प्रतिशत ऑप्शन नंबर डी छह दशमलव चार प्रतिशत सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी छह दशमलव चार प्रतिशत